साथ इस समय जो अगला सवाल है आशीष पटेल का अहमदाबाद से एसएमएस के जरिए इन्होंने पूछना चाहा है अदानी पावर के बारे में। 600 शेयर इनके पास है, खरीदारी का इनका भाव है 27 रुपये 15 पैसे का। तो अब इसमें अदानी पावर में आगे क्या करना चाहिए? इस समय फ़ायदे में ही है, 30 रुपये के ऊपर भाव चल रहा है फिलहाल। अभी इनके लिए रणनीति बेहतर क्या रहेगी, क्योंकि इसने थोड़ा बॉटम आउट होने का प्रोसेस जो है वो सितंबर में ही शुरू कर दिया था, अब यहाँ से आगे क्या लगता है? अदानी पावर ने शॉर्ट टर्म में एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया है जिसका टारगेट लग रहा है कि 32 से लेकर 33 तक आ सकता है, लेकिन मैं ओवरऑल इसका ट्रेंड देखूं तो बेयरिश है। मैंने ये सलाह दूंगा कि एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखे 28.90 का ही, जो इनके लेवल के अकॉर्डिंग एक प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 32 से 33 की रेंज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जी। और अब अगला सवाल हमारे पास है अनिमेश का, और बिलासपुर से इन्होंने सवाल पूछा है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इन्होंने 22 शेयर खरीद रखे हैं, 436.77 का इनका खरीदारी का भाव है। इसमें विवेक आपकी सलाह क्या रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर RIIL? RIIL की बात करें तो इसने चार्ट में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है जिसका 400 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला था और इसका टारगेट 480 तक आ रहा है। मुझे लगता है ये फर्दर 510 से लेकर 520 तक भी रैली एक्सटेंड हो सकती है, तो 480 के होल्ड करें अपनी पोजीशन को और 480 के आसपास 50% पोजीशन ये बुक कर सकते हैं अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो, और ऊपर में 510 से लेकर 520 की रेंज में बाकी 25% प्रॉफिट बुक करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं ये जी। अब जुड़े हैं हमारे साथ साहिल गुड़गांव से। साहिल बताइए आपके पास कौन सा शेयर है? हेलो सर, मेरे पास स्पिक के शेयर है, 2000 शेयर है 21 के रेट से। स्पाइस जेट? नो सर, स्पिक साउथ साउदर्न पेट्रोलियम केमिकल। साउदर्न पेट्रोलियम, ओके यस सर जी। और इसका 2000 शेयर है 21 के रेट से और 1 मंथ के व्यू से मैंने इसको बाय किया था जी। साउदर्न पेट्रो के बारे में इनका सवाल है, SPIC के बारे में, और 21 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इस समय ये शेयर 20 के आसपास, 20 के आसपास चल रहा है। इसमें देखें तो एक उठापटक पहले से चल रही है, इसने भी सितंबर के आसपास ही बॉटम आउट होने का एक संकेत दिया था या निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी एक चाल दिखाई थी, लेकिन उसके बाद वो चाल कहीं थकी, थोड़ी मुनाफा वसूली आई 25 के पास जाने के बाद। इस समय ये 20 के आसपास कुछ समय से चल रहा है, आगे इसमें क्या दिख रहा है? इसमें एक काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मैं ब्रॉडर रेंज देखूं तो ये 21 से लेकर 18.50 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अगर 18.50 का लेवल नीचे में ब्रेक करता है तो ये बेरिश हो जाएगा। 18.50 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें और 21 का लेवल क्रॉस होता है तो ये 24 से लेकर 25 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो होल्ड करें। ऊपर में 21 के ऊपर 21 का लेवल क्रॉस होता है तो थोड़ा और एवरेजिंग कर सकते हैं 18.50 के स्टॉप लॉस के साथ और 24 से लेकर 25 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। बिल्कुल।